हेलो एवरीवन, दिवाली स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता मठरी। लेयर्स वाली मठरी मैंने बनाई है, आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए लिया है आधा कप मैदा, और साथ में हम ले लेंगे आधा कप जितना ही गेहूँ का आटा। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। और घी डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच घी ही डालें इसमें। मोयन के लिए ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। नमक डाल देंगे 3/4 चम्मच, स्वाद के अनुसार आप डालें। और इसमें क्रश मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी बिल्कुल भी डालना भूलिए नहीं, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी होती है। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे क्रश करके हाथ से डाल दिया है। अजवाइन डाल दिया है 1/4 चम्मच हाथ से क्रश करके, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोयन को हमें आटे और मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल मसलते हुए। अगर आप मसलेंगे नहीं ना, तो ये इतना खस्ता बनेगा नहीं। देखिए बाइंड होने लगा है, इसका मतलब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है मोयन को आटे में। और अब धीरे धीरे डालकर पानी इससे एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं, बिल्कुल सेमी सॉफ्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आटा है अच्छे से मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। और इस तरीके से ही हम इसे मसलते हुए इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आटा बिल्कुल लगकर तैयार हो चुका है, तो इसे हम ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और अब हम यहाँ पे एक साटा तैयार करते हैं, जिसके लिए लिया है 1 चम्मच सॉल्टेड बटर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच इतना ही राइस का फ्लोर लेंगे, मतलब चावल का आटा। ये चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम मठरी को फ्राई करते हैं ना, तो मैंने पहले ही बताया लेयर्स वाली मठरी बना रहे हैं, तो इसके लेयर्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेयर्स आते हैं इसमें। और आधा चम्मच मैंने इसमें मैदा डाला है, घी डाला है 1/4 चम्मच। घी इसलिए डाला है, हल्का सा मेल्टेड घी है, तो हल्का सा इसको लिक्विड फॉर्म, लिक्विड तो नहीं, हल्का गीला बनाने के लिए ये हेल्प करेगा। और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम इसे हल्का सा गूंथ लेंगे। और इसकी हमें लोइया काट लेनी है, मतलब रोटी बनाना है पहले, इसलिए हम लोइया इसका निकाल लेते हैं कट करके। तो एक साइज़ के ही हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो लोइयों को अंदर की तरफ टक करते हुए इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। और सारे लोइयाँ हमने बना लिए। अब आटा डस्ट करते हुए हम इसकी रोटी बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना है हमें, कुछ इस तरीके से बेलकर हमें तैयार कर लेना है रोटियों को। और यहाँ पर मैंने चारों रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है, और इसके ऊपर अब हम साटा जो बनाकर तैयार किए थे उसको अप्लाई कर देंगे चारों तरफ ऐसे लगाते हुए। और हल्का सा ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे, ताकि जब हम मठरी बनाएं तो अच्छे से उसके लेयर्स निकल के आए। और एक के ऊपर एक इसी तरह से साटा लगाते जाएंगे, और रोटियों को भी एक के ऊपर एक असेंबल करते जाएंगे। अगर छोटी पड़ रही हो रोटी, तो हल्की सी उसके आप उसको आप खींच ले, ताकि सारे एक बराबर में लग कर तैयार हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे लास्ट वाली रोटी को भी रख दिया है, उसके ऊपर भी साटा लगा दिया है, हल्का सा मैदा डस्ट कर दिया है उसके ऊपर भी। और अब हम क्या करेंगे, उसको टाइट रोल बनाकर तैयार करेंगे। सभी को ऐसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल टाइट हाथों से ही इसको करना है, ताकि ये खुले नहीं। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से ही ऐसे करते हुए फैला लेंगे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। और बिल्कुल एक बराबर साइज़ में इसे कट करते हुए हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया लेयर्स इसके दिख रहे हैं अभी। तो इसे हाथ से ऐसे गोल करते हुए दबाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो जो इसके लेयर्स हैं ना, बिल्कुल दब जाएंगे। और इसे हमें गोल ही रखना है, लंबा नहीं रखना है। हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए इसको हम बेलन से बस ऐसे हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है।
नहीं तो ये पतला हो जाएगा और इसके लेयर्स नहीं निकलेंगे और खुलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी मटरियों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो पैन में रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो है। अभी आप देख सकते बुलबुले नहीं आ रहे। अब इसमें बुलबुले उठने स्टार्ट हुए हैं। हल्का सा मैं स्पून से इसको चला देती हूँ। हल्का सा ऐसे स्पून से आप जब चलाएंगे ना तो इसके लेयर्स और भी खुल के आएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे इसके लेयर्स दिख रहे हैं अभी। तो बस ऐसे हल्का हल्का इसे चला देंगे और अलटते पलटते हुए इसे हमें फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलटते पलटते हुए ये जो मटरी हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इस पर। और अब हम निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। तो एक बैच को फ्राई होने में करीब 7 से 8 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि इसे हल्के फ्लेम पे ही करना होता है। बाद में इसे आप मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। और ऐसे ही करके हम अपनी सारी मछलियों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी मछलियाँ जो है वो फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी लेयर्स वाली ये मछली बनकर तैयार हुए हैं। स्वाद तो मतलब पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने लेयर्स बनाए थे वो बिल्कुल दिख रहे हैं, इसमें फ्लैट नहीं हुआ है ये। और इसकी आवाज़ सुनिए, सुन के ही पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आप भी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा ना, तो आप भी ऐसे ही मछली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।